friends welcome to our ever tutors now this is rishi vartiya let us we talk about current affairs latest gk today's so friends this is very most important topic for upsc mppsc si ssc railway and other competitive examinations so guys please like my video share this video and subscribe our channel so let us we start current affairs today's the first question today's is उपन्यास कोरोना वायरस के बाद चीन में कौन सा नया वायरस खोजा गया है ऑप्शन ए इबोला वायरस ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा वायरस ऑप्शन सी हंटा वायरस ऑप्शन डी स्पेनिश फ्लू सो आंसर इज सी हंटा वायरस नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है दुनिया खतरनाक कोरोना वायरस महामारी के लिए एक इलाज खोजने की कोशिश कर रही है वहीं चीन के यूनान प्रांत में एक व्यक्ति की मौत हेंटा वायरस से हुई है जबकि एक बस में शेडोंग प्रांत जा रहा था बस में मौजूदा सभी साथी यात्रियों में वायरस का प्रशिक्षण किया गया है अमेरिका में हंटा वायरस को न्यू वर्ल्ड हेंटा वायरस के रूप में भी जाना जाता है और इसे हेंट वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम एच हो सकता है अन्य हैंथावेयर्स जिन्हें ओल्ड वर्ल्ड हंता वेयर्स के रूप में भी जाना जाता है ज़्यादातर यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं और रीनल सिंड्रोम या एच एफ आर एस के साथ रक्त स्वाभाविक बुखार का कारण बन सकते हैं इम्पॉर्टेंट है हमें याद रखना है हंता वायरस नाउ क्वेश्चन नंबर टू किस संस्था ने छात्रों क्वेश्चन नंबर टू किस संस्था के छात्रों ने बारह भाषाओं में डब्लू एच ओ के कोरोना वायरस दिशा निर्देश का वीडियो बनाया ऑप्शन ए आई दिल्ली ऑप्शन बी आई मद्रास ऑप्शन सी आई आई खड़गपुर ऑप्शन डी आई बॉम्बे सो आंसर इज सी आई आई टी खड़गपुर नाव ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है आई आई खड़गपुर में एक छात्र समूह ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया है जिसमें डब्ल्यू के दिशा निर्देशों के बारे में बताया गया है जिसमें बारह लोग भारतीय भाषाओं में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए की जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया है ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से सलाह को समझ सके इम्पोर्टेंट है हमें याद रखना है आईआईटी आई खड़गपुर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन ए चौबीस मार्च ऑप्शन बी बाईस मार्च ऑप्शन सी अठारह मार्च ऑप्शन डी तीन अप्रैल सो आंसर इज ए चौबीस मार्च नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है टी के विनाशकारी स्वास्थ्य सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए चौबीस मार्च को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस 2020 का विषय हमें याद रखना है थीम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है यह समय है वैश्विक नेताओं के लिए प्रतिबंधिताओं पर कार्य करने के लिए लहजे पर जोर देता है इम्पोर्टेंट है हमें याद रखना है विश्व टीवी दिवस 24 मार्च नाउ क्वेश्चन नंबर फोर सांसद कोरोना वायरस के लिए मास्क परीक्षण किट और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस फंड का उपयोग कर सकते हैं ऑप्शन ए संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सदस्य ऑप्शन बी संसद विस्तृत क्षेत्र विकास योजना के सदस्य ऑप्शन सी संसद व्यक्तिगत भविष्य निधि योजना के सदस्य ऑप्शन डी संसद स्थानीय कोष निधि योजना के सदस्य सो आंसर इज ए संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सदस्य नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है सांसद अब मेडिकल परीक्षण और कोरोना वायरस का पता लगाने और आवश्यक अन्य सुविधाओं के लिए संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कोष के सदस्यों का उपयोग कर सकते हैं लैंड फंड के उपयोग के लिए नियमों में ढील देने से सांसद अब लैंड फंड के उपयोग को सुनिश्चित करके प्रशासन तथा लोगों तक पहुंच सकेंगे इसका उपयोग अब सुरक्षात्मक गियर, मास्क और सैनिटाइजर की खरीद में किया जा सकता है इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ गुरुद्वारे पर आतंकी हमला किस देश में हुआ था ऑप्शन ए भारत ऑप्शन बी पाकिस्तान ऑप्शन सी अमेरिका ऑप्शन डी अफगानिस्तान नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है अफगानिस्तान के काबुल में एक गुरुद्वारे पर आतंकी हमला हुआ 25 मार्च को अफगानिस्तान के काबुल में एक सिख गुरुद्वारे पर कुछ सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा हमला करने के बाद कम से कम 24 लोग मारे गए और अन्य घायल हो गए गुरुद्वारे में 11 बच्चों को बचाया गया है जब हमला हुआ तो डेढ़ लोग गुरुद्वारों के अंदर थे इस्लामिक स्टेट समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली है इम्पोर्टेंट है हमें याद रखना है अफगानिस्तान नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स भारत के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के लिए एहतियात के तौर पर कितने दिनों के और लॉकडाउन की घोषणा की थी ऑप्शन है बीस दिन ऑप्शन बी तीस दिन ऑप्शन सी दस दिन ऑप्शन डी इक्कीस दिन सो आंसर इज डी इक्कीस दिन नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लिए इक्कीस दिनों की तालाबंदी की घोषणा की थी यह संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का एकमात्र तरीका है चौदह अप्रैल तक तालाबंदी लागू रहने की समस्या थी वायरल संक्रमण से 500 से अधिक व्यक्ति पीड़ित थे आशंकाएं भी बढ़ रही है कि वैश्विक कोरोना वायरस चोल इंच के रूप में सत्रह हज़ार तक पहुंच सकता था सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरीदने परीक्षण प्रयोगशालाओं और संगरोध केंद्रों की स्थापना के लिए पंद्रह हजार करोड़ आवंटित किए थे कोरोना वायरस के संक्रमण की दर बहुत तेज़ है और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का एकमात्र तरीका है घर के अंदर रहकर सामाजिक भेद करना इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है इक्कीस दिन नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है ऑप्शन ए दिग्विजय सिंह ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया ऑप्शन सी कमलनाथ ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान सो आंसर इज जी शिवराज सिंह चौहान नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है तेईस मार्च को शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के पंद्रह महीने बाद चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने उन्हें शपथ दिलाई थी दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस द्वारा संकीर्ण बहुमत हासिल करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कमलनाथ सरकार सत्ता में आई थी 22 कांग्रेस विधायकों और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए नाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और चौहान की वापसी के लिए मार्ग प्रशस्त किया इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है शिवराज सिंह चौहान नाउ क्वेश्चन नंबर एट गुड़ी पड़वा कब मनाया जाता है ऑप्शन ए पच्चीस मार्च ऑप्शन बी बाईस मार्च ऑप्शन सी तेईस मार्च ऑप्शन डी अट्ठाईस मार्च सो आंसर इज ए पच्चीस मार्च नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है गुड़ी पड़वा को पारंपरिक नए साल की शुरुआत मराठी कैलेंडर में और वसंत ऋतु दक्षिण भारत के रूप में मनाया जाता है त्यौहार आमतौर पर क्षेत्र के पहले दिन शुक्ल प्रतिपदा के अंतर्गत आता है यह त्यौहार यह त्यौहार महाराष्ट्र भर में व्यापक रूप से मनाया जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुड़ी फहराने से धन और भाग्य की प्राप्ति होती है महाराष्ट्र में लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत की याद में गुड़ी फहराते हैं भगवान राम के चौदह साल के बाद वनवास से लौटने के प्रतीक के रूप में भक्त गुड़ी को फहराते हैं इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है गुड़ी पड़वा नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन सरकार किस राशि के अपने संशोधित विनिवेश लक्ष्य से कम हो जाएगी ऑप्शन ए पचास हजार करोड़ रुपए ऑप्शन बी पैंसठ हजार करोड़ रुपए ऑप्शन सी सत्तर हजार करोड़ रुपए ऑप्शन डी नब्बे हजार करोड़ रुपए सो आंसर इज़ बी पैंसठ हज़ार करोड़ रुपए नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है सरकार वित्तीय वर्ष के अंत में बीस प्रतिशत से थोड़ा अधिक पैंसठ हज़ार करोड़ रुपए के अपने संशोधित विनिवेश लक्ष्य से कम हो जाएगी इम्पोर्टेंट है हमें याद रखना है पैंसठ हज़ार करोड़ रुपये नाउ क्वेश्चन नंबर टेन इज द लास्ट क्वेश्चन टूडे कपास की बिक्री पर नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार ने किस राशि के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दी ऑप्शन ए आठ सौ करोड़ रुपए ऑप्शन बी सात सौ अड़तालीस दशमलव आठ करोड़ रुपए ऑप्शन सी पाँच सौ दशमलव एक दो करोड़ रुपए ऑप्शन डी एक हजार करोड़ रुपए सो आंसर इज बी सात सौ दशमलव शून्य आठ करोड़ रुपए। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन जैसा कि हमें पता है केंद्र सरकार ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र स्टेट ऑफ ऑपरेटिव कॉटन ग्रोवर्स मार्केटिंग फेडरेशन के लिए सात सौ दशमलव शून्य आठ करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को मंजूरी दी जो कि कपास की वर्ष -15, 15 के वर्ष 2014-15, 15-16 के दौरान एम एस परिचालनों के तहत कपास की बिक्री पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति है इम्पोर्टेंट है हमें याद रखना है सात सौ अड़तालीस दशमलव शून्य आठ करोड़ रुपए सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल लिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा जिससे इम्पोर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और साथ ही साथ कोई वीडियो में कमी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर और आपको स्टडी मटेरियल अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो या कुछ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वायरी हो तो आप सेम नंबर पर टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं सो माई फ़ोन नंबर इज़ नाइन Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. Stay home. Stay safe. Dhanyavad.